गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? वेरी गुड। तो बच्चों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था दो अक्षर वाले शब्दों के बारे में। क्या जाना कि दो अक्षर के शब्द लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। आज का टॉपिक है तीन वर्णों वाले शब्द, वर्ण यानी अक्षर। तो अक्षर में मैं क्या बताई थी आप लोगों को कि अ से लेकर, कहाँ से लेकर, अ से लेकर ज्ञ तक के बीच जितने भी हमारे साउंड्स हैं वही अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर। तो यहाँ पे दिया हुआ है तीन वर्ण यानी तीन अक्षरों वाले शब्द। कितने अक्षर वाले? तीन अक्षर वाले। तो देखते हैं तीन अक्षर वाले शब्द कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा क, क्या लिखा? क, फिर लिखा म, फिर लिखा ल। अब आप काउंट करो कि कितना है। चलिए काउंट करते हैं। वन, बोलो वन, टू एंड थ्री। कितने अक्षर हुए? तीन अक्षर हुए। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे ये देखो। तो ये कौन सा अक्षर है हमारा? तो ये है क। क्या है? क। तो बोलो मेरे साथ, क, म, ल। क्या पढ़ेंगे? कमल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कमल। वेरी गुड। अब देखो सेकंड दिया हुआ है ब। क्या है? ब, तब है प्लस त प्लस ख। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन हटा के ब त और ख लिख दूंगी। तो ये बन गया हमारा बतख। क्या हो गया? बतख। ठीक है, अब सेम देखो यहाँ पे है र। क्या है? र, बोलो र, ब, र। क्या पढ़ेंगे? र, ब, र, रबड़। अब इसको देखो ये है म, बोलो म, ह, ल। तो कौन सा शब्द बनेगा? महल। ये कौन सा अक्षर है हमारा? तो ये है म, और ये तो ये ट है, और फिर हमारा कौन सा अक्षर है? र। म, बोलिए म, ट, र। तो क्या हो जाएगा? मटर। अब देखो यहाँ पे म, ग, र। कौन सा शब्द बनेगा हमारा? मगर। अब देखो क, बोलो क, ल, श। तो कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? तो ये शब्द बनेगा क, ल, श, कलश। ये कौन सा अक्षर है आप बताओ? सानवी आप बताओ। वेरी गुड। ये है भ। इसको क्या पढ़ेंगे? व, और ये न। तो क्या हो जाएगा? भवन। क्या हो जाएगा? भवन। आकृति इसको आप बताओ, ये कौन सा अक्षर है? ये है क, ल, म। कौन सा शब्द बनेगा? कलम। अब देखिए यहां पे स, बोलो स, र, क, सड़क। ये देखो न, य, न, नयन। नयन मीन आंख। हमारे पास कितनी आंखें हैं? हमारे पास दो आंखें हैं, उसको हम नयन भी बोलते हैं, आँख को नयन भी बोलते हैं। ठीक है,
ये अब देखो, ये कौन सा अक्षर है? ये है क। क्या है? क म ल। तो कौन सा शब्द बनेगा? क म ल, कमल। तो बच्चों, अभी अभी हमने जाना तीन अक्षर के शब्दों के बारे में। क्या जाना कि तीन अक्षर के शब्द लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं, ठीक है? तो आइए इनसे कुछ जुड़ी प्रश्न करते हैं। प्रश्न नहीं, ऐसे ही पढ़ेंगे। वर्णों को जोड़कर क्या करना है? वर्णों को जोड़कर पढ़िए और समझिए। हमको क्या करना है, जो ये वर्ण यानी जो अक्षर दिए हुए हैं, इनको आपस में जोड़ देना है और फिर पढ़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो लिखा हुआ है न प्लस ग प्लस र, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो न लिख देंगे और ये छोड़ देंगे प्लस का साइन, फिर मैं यहाँ पे ग लिख दूंगी और फिर यहाँ पे र लिख दूंगी। तो क्या बन गया? वर्णों को जोड़कर तो हमने शब्द बना लिया, अब इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले अक्षर पहचानेंगे। तो पहचानिए, ये कौन सा अक्षर है हमारा? तो न से न, तो ये है न। क्या है? न। बोलिए न, ये कौन सा अक्षर है? ये तो ग है, तो इसको बोलते हैं ग, और ये है र। तो तीनों अक्षरों को मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? न, बोलिए न, ग र, नगर। क्या पढ़ेंगे? नगर। अब देखो दूसरा दिया हुआ है ड ड ग ऐसे र। तो यहाँ पे मैं ड लिख दूंगी, फिर प्लस, फिर ग, फिर र। अब इसको कैसे बनाऊंगी? देखो मैं लिखूंगी ड, ये साइन हटा दूंगी, फिर ये वाला ग यहाँ पे लिख दूंगी मैं, और फिर ये र को यहाँ पे लिख दूंगी। तो ये हमारा शब्द बन गया। तो शब्द कौन सा बना? देखो शब्द बना ड, बोलिए ड ग र। तो कौन सा शब्द बना? डगर। बोलो डगर। वेरी गुड। अब देखो, अब दिया हुआ है म, बोलिए म ग र। तो क्या पढ़ेंगे? मगर। पढ़िए मगर। अब देखो न र म, क्या पढ़ेंगे? नरम। ग र म, तो क्या पढ़ेंगे? गरम। ये देखो ध र म, तो कौन सा शब्द बनेगा? ध र म, धर्म। अब सेकंड वाले को देखते हैं। प, बोलिए प ह न, तो कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? तो इसको पढ़ेंगे प ह न। क्या पढ़ेंगे? पहन। अब देखो ब ह न, तो कौन सा शब्द बनेगा? ब ह न, बहन। ये कौन सा अक्षर है हमारा? रियांश आप बताओ कौन सा अक्षर है? ये है द अक्षर। इसको बोलेंगे द ह न, तो कौन सा शब्द बनेगा? द ह न, दहन। अब देखो यहाँ पे अ क ड, तो कौन सा शब्द बनेगा? अ क ड, अकड़। अब देखो इसको रविकांत बताएंगे। रविकांत बताइए कौन सा अक्षर है?
ये है प, प से पतंग, और ये है क, और ये क्या है बताओ? तो ये है अड़। तो इसको क्या पढ़ेंगे? प क ड, इसको पढ़ेंगे पकड़। अब देखो, ज क ड, क्या पढ़ेंगे? जकड़। यहां पे देखिए, ल ह र, लहर, ठ ह र, ठहर, स ह र, शहर, स र ल, सरल, उ छ ल, उछल, म ह ल, महल। ठीक है, बाकी जो बचा है आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़िएगा मिला मिला कर और शब्दों को लिखिएगा। अब इस पे ध्यान दीजिए, शब्दों को पढ़िए और समझिए। तो इसको आपको करना है, इन सारे शब्दों को पढ़ना है और समझना है और लिखना भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।